मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के करीब 10 जिलों में मावठा का पूर्वानुमान जताया है। अभी मध्य प्रदेश में दिन का पारा 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। बता दें, अगले एक सप्ताह के दौरान रात का पारा तो ज्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बारिश होने से इंदौर को छोड़कर अधिकांश इलाकों में दिन का अधिकतम पारा 20 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो सकता है। इंदौर में यह 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बता दें, मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव तिवारी के मुताबिक अलग अलग लेवल पर मौसम वैज्ञानिक लगातार मौसम विभाग के डेटा का आकलन करते रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से अलग अलग स्तर पर बादल, तापमान, बारिश, हवाओं और चक्रवात पर नजर रखी जाती है। विभाग में मौजूद सुपर कंप्यूटर में एक कोड होता है। इस कोड पर डेटा फीड किया जाता है। इसी के अनुसार मौसम का फोरकास्ट किया जाता है। पहले यह डे टू डे बनता था, लेकिन अब 5 दिन का पूर्वानुमान इसी मानसून सीजन से शुरू हो जाता है। इससे इलाकों में मौसम के प्रभाव को लेकर पहले से अलर्ट जारी किया जा सकता है। सभी विभागों को मौसम का अलर्ट भेजा जाता है, जिससे जानमाल का नुकसान होने से बचाया जा सके। बता दें, मध्य प्रदेश में अभी अधिकांश इलाकों में हल्के बादल हैं। इस कारण दिन में सूरज की तपिश कम है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री चक्रवात मंदोस एक्टिव है, इससे प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले एक सप्ताह तक बादल छाए रहेंगे। तो वहीं रविवार से मौसम में बदलाव नजर आने लगेगा। इस दौरान 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है।